साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। शिवसेना को लेकर खासा संग्राम है और अब तो चुनाव आयोग का नया फैसला भी आ गया है। जी हां, चुनाव आयोग के फैसले ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है क्योंकि शिवसेना के जिस नाम और सिंबल को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में विवाद चल रहा था, संग्राम चल रहा था, उस नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, ऐसे में अब आगे क्या होगा, कई सवाल चल रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा और शिंदे गुट क्या करने वाला है, क्योंकि संजय राउत के कारनामों ने ठाकरे की मुश्किल बढ़ा दी है। चर्चा तो यहां तक है कि बर्बाद करने तक की तैयारी, और इसीलिए तो मातोश्री में हलचल बढ़ गई है। तो हम आपको बताते हैं सब कुछ क्या होने वाला है आगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना के नाम पर जो बवाल मचा हुआ था उसका पहला चैप्टर यहां पर बड़े बवाल के साथ खत्म हो रहा है, क्योंकि शिवसेना का नाम और सिंबल चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है। चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। ठाकरे गुट और शिंदे गुट का अपना अपना दावा था और इस पर फैसला देते हुए 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने न सिर्फ शिवसेना का नाम फ्रीज कर दिया बल्कि सिंबल धनुष बाण भी फ्रीज कर दिया। यानी कि अब तो ठाकरे गुट और ना ही शिंदे गुट शिवसेना के नाम और तीर कमान सिंबल का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फैसला चुनाव आयोग के अगले फैसले तक लागू होगा। अब इस फैसले के बाद खासा बवाल मचा हुआ है। ठाकरे गुट ने कहा कि ये फैसला एक तरफा लिया गया है, दबाव में लिया गया और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहीं शिंदे गुट का भी कहना है कि वो भी चुनाव आयोग में अपील करेगा कि उन्हें सिंबल और नाम दे दिया जाए। यानी कि अभी ये मामला लंबा खींचने वाला है, बवाल बहुत लंबा चलने वाला है और ये सब कुछ संजय राउत के कारण बताया जा रहा है। जो अब फिलहाल क्या होगा आगे, क्या आगे होने वाला है वो समझिए। ठाकरे गुट का मामला पहले समझिए। तो रविवार को मातोश्री में अचानक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे के फैसले के लिए रणनीति बनाई जाएगी, आगे क्या करना है वो तय किया जाएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया। मजबूरी क्या है वो भी देखिए। मुंबई में अंधेरी इस सीट पर विधायक का चुनाव होना है, 3 नवंबर को वोटिंग है और इसके लिए नया नाम और नया सिंबल दिया जाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर 1 बजे तक का वक्त दिया है। जी हां, दोपहर 1 बजे तक सोमवार को उद्धव ठाकरे को 3 सिंबल देने होंगे, अपनी पसंद के हिसाब से लिस्ट देनी होगी, पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद। इसी तरह से पार्टी का नया नाम भी देना होगा और इसके लिए भी 3 नाम सिलसिलेवार तरीके से देने होंगे और इसके लिए मंथन चल रहा है। वहीं शिंदे गुट को भी अपनी पसंद के 3 ऐसे ही नाम देने होंगे और 3 सिंबल भी देने होंगे सिलसिलेवार तरीके से अपनी पसंद के हिसाब से, और चुनाव आयोग के पास ये नाम और ये सिंबल अवेलेबल होते हैं तो उन्हें अलॉट कर दिया जाएगा। अब यहां पर शिवसेना और तीर कमान ना सही, लेकिन असली लड़ाई अब फिलहाल के लिए इससे मिलते जुलते नाम और इससे मिलते जुलते सिंबल को लेकर हो सकती है। चर्चा है कि शिवसेना चुनाव आयोग से शिवाजी सेना का नाम मांग सकती है जो कि शिवाजी से भी जुड़ा है और शिवसेना जैसा ही नाम भी है। सिंबल के नाम पर त्रिशूल की भी मांग की जा सकती है जो कि शिव से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं जिनकी मांग की जा सकती है, जैसे कि शिव की सेना, बाला साहेब सेना। अब मातोश्री में इसे लेकर बड़ी मीटिंग चल रही है, उसके बाद ही तय होगा और सोमवार दोपहर 1 बजे तक इसे चुनाव आयोग के देना है। हालांकि फिलहाल नया नाम कुछ समय तक के लिए ही मिलेगा और शिवसेना और पार्टी के सिंबल पर चुनाव आयोग बाद में फैसला करेगा। अब ऐसा ही कुछ शिंदे गुट को भी करना होगा, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सिंबल भी देना होगा। मुंबई और आसपास चर्चा जबरदस्त है कि संजय राउत ने जो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए गेम खेला उसके बाद से ही शिवसेना के बुरे दिन शुरू हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ती चली गई और अब राउत के कारनामों की वजह से ही उद्धव ठाकरे इतनी मुश्किलों में फंस गए। ये चर्चाएं लगातार मुंबई और आसपास बढ़ रही हैं। तो आपका क्या मानना है, इस लड़ाई में अब कौन सा गुट भारी पड़ेगा, उद्धव ठाकरे गुट या फिर एकनाथ शिंदे गुट? आपका क्या मानना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, लगातार खराब हो रहे हैं। जेल से बाहर निकलने की खूब कोशिश राउत करते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हाँ, इस बीच जेल से बाहर दशहरा मनाने के लिए संजय राउत ने खूब तिकड़म भी बढ़ाई लेकिन फाइनली कामयाब नहीं हो पाए हैं। जी हाँ, संजय राउत को लेकर बड़ी और नई खबर यही है कि संजय राउत का दशहरा न सिर्फ जेल में मनेगा बल्कि संजय राउत को एक बार फिर से काल कोठरी में पटक दिया है क्योंकि मामले में सुनवाई हो गई, कोर्ट ने फैसला दे दिया। सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा मामला बताते हैं।
संजय राउत को लेकर सोमवार यानी कि 3 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई हुई भी, लेकिन 3 अक्टूबर को इस पर पूरी सुनवाई हो नहीं पाई, इसे 4 अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन किया गया। और 4 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की सुबह सुबह इस पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला दे दिया और साथ ही साथ बहुत कुछ नया भी हो गया। 4 अक्टूबर की सुबह सुबह आए फैसले में कोर्ट ने संजय राउत को फिर से जेल भेज दिया। जी हाँ, संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया और इस बार 10 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। संजय राउत को फिर से मुंबई में ऑर्थर रोड जेल की काल कोठरी में भेज दिया गया। जेल की उसी बैरक में डालने को कहा गया जिसमें संजय राउत को रखा गया, यानी कि राउत अभी जेल में ही रहेंगे। अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से कोई राहत नहीं है, आगे देखिए। हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि हर बार 14 दिन के लिए संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ती थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने संजय राउत की हिरासत यानी कि जेल का टर्म 7 दिन के लिए बढ़ाया। जी हां, ये चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन हैरानी भरा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर को ही मामले में अगली सुनवाई होनी है और उसी दिन एक और मामले में संजय राउत को लेकर सुनवाई, और वो है जमानत का मामला। जी हां, यहां पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है क्योंकि असली माजरा और मामला ये है कि संजय राउत ने एक जमानत की अर्जी लगाई और उस जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई 10 अक्टूबर को ही होनी है और संजय राउत का जेल टर्म भी 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया, यानी कि 10 अक्टूबर को संजय राउत को लेकर दो सुनवाई होंगी, एक जमानत की और एक संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसे के लेकर। अब मिक्स रिएक्शन में से पहला रिएक्शन ये है कि हो सकता है कि 10 अक्टूबर को संजय राउत को एक साथ फिर दोनों मामलों में फैसले के बाद फिर से जेल भेज दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि संजय राउत को एक साथ झटका दिया जाए, सीधे सीधे फिर से काल कोठरी में भेज दिया जाए। अब दूसरा रिएक्शन या कहें कि दूसरा पहलू यहाँ पर यह भी है कि संजय राउत के लिए थोड़ी सी रोशनी की किरण भी नजर आ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि संजय राउत को कुछ राहत मिल जाए। जी हाँ, अब तक तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। इससे बड़ी बात यह है कि जमानत की सुनवाई उसी दिन होनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जमानत मिल जाए। जी हाँ, ये भी संभव है, ये हो भी सकता है। 10 अक्टूबर को दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी और एक साथ सुनवाई होगी और हो सकता है कि उस दिन संजय राउत को जेल से बाहर आने की परमिशन मिल जाए, लेकिन ये जमानत मिलेगी तो मिलेगी कैसे? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जैसा केस है जितने मजबूत सबूत और गवाह है उसके आधार पर तो संभावना बेहद कम है और इसीलिए सिर्फ एक छोटी रोशनी कही जा रही है, उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हाँ, उम्मीद जग गई है और समझा ये भी जा रहा है कि क्या इस बीच कोई डील हुई है अंदर खाने, या कहें कि पीछे से बैकडोर से कोई कोशिश हुई है संजय राउत को राहत दिलाने के लिए, ऐसी कोई बात हुई है, तो ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सवाल ये भी है कि एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा उलटफेर हो गया कि राउत को जमानत मिल सकती है, और क्या आगे एक हफ्ते में होगा कि संजय राउत जेल से बाहर आ सकते हैं, बड़ा सवाल बना हुआ है। लिया जा, अब सब कुछ 10 अक्टूबर पर टिका हुआ है, उस दिन कोर्ट में फैसला क्या होगा, कोर्ट क्या अपना डिसीजन देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए संजय राउत की मुश्किल बढ़ गई है, जेल में ही दशहरा मनेगा और 10 अक्टूबर तक फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे फिलहाल। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को 10 अक्टूबर को जमानत मिलने वाली है, क्या इसीलिए दोनों सुनवाई एक दिन साथ होने वाली है, या फिर इसकी वजह, इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।